कौन है? मेरा बेटा है, इधर देखो, ये बाबू है मेरा ऋषभ, जिनका आज जन्मदिन है। और किसका बर्थडे है? किसका मैं है? केक नहीं काट रहा हूँ आज, आज सिर्फ अपने बच्चों के साथ पूजा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ी घटना हो गई थी, उसकी वजह से। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि उन बच्चों को जो हैं अभी दुनिया में, उनको कोई तकलीफ ना हो, ईश्वर से प्रार्थना है। लव यू, प्रणाम सबको, दिल से थैंक यू। और मैं हर हर साल अपने बेटे ऋषभ का बर्थडे मनाता हूँ धूमधाम से। सबको थैंक यू बोलो, बोलो लव यू, लव यू बोलो बाबू, सबको लव यू बोलो, प्लीज बोलो। गलत बात है ना, सब लोग बोल रहे हैं ऋषभ, देखो सब लोग आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, देखो बोलो थैंक यू, हाँ लव यू बोल दो, नहीं शर्म करते, बोलो लव यू, सब देखेंगे ना आपको बेटा, लव यू। और हर साल हम मनाते हैं अपने बेटे का धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं, पूरी इंडस्ट्री और लोग, सब लोग प्यार देने आते हैं। लेकिन इस बार मैं नहीं मना रहा हूँ, कुछ वजह है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चों को देहांत हो गई, और वो बिहार के बच्चे भी हमारे परिवार के बच्चे थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हैं, और उनके साथ साथ मैं अपने बच्चे के साथ साथ उनके लिए भी आज पूजा रखा हूँ, ताकि जो हैं वो सलामत रहें। अगर हमारे बिहार में इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो हम खुशियाँ नहीं मना सकते, क्योंकि अगर हम दुनिया से जुड़े हैं, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम हर एक खुशी की, हर गम के साथ रहें अपने पब्लिक और अपने लोगों के। तो सॉरी, मैं अपने बेटा ऋषभ का बर्थडे नहीं मना रहा हूँ, इसलिए कि बस वही एक वजह थी, और मैं सामने से जाकर देखा था उस वजह को, उस चीज़ों को। बेटा आप क्या कर रहे हैं? देखिए ये मेरा रीन है, ये मेरा छोटा सा बाबू है, ये भी, ये बहुत काटता है बाबू, सोना। ए रेन रेन, ये देखो, ये देखो, तो ये देखो। तो थैंक यू ऑल, सबको दिल से, कि आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे, और मेरे पेज पे शायद 8 लाख से ज़्यादा लोग हो गए हैं, जो मुझे प्यार करने वाले लोग जो मेरे पेज पे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबको, और खासकर रंजीत, सबको दिल से थैंक यू बोल देना बाबू। और आज बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, अपने तरफ से मेरे बेटे के लिए शुभकामना ज़रूर दे दीजिएगा, लाइव आके या फेसबुक पे या जैसे भी हो, आप लोग आशीर्वाद इसके साथ साथ उन मुजफ्फरपुर से और पूरे बिहार के बच्चों को प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि जो चिमकी रोग का कहर बरस रहा है बिहार में, वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बस मैं आप सबसे यही अपील करने आया था, कि मैं हर साल मनाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने पूजा रखी है, आप देख सकते हैं कि ये आज अपने बच्चे के साथ साथ मैं उन सारे बच्चों के लिए दुआएं करने वाला हूँ, ताकि जीवन में उनको फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो, और चिमकी रोग कभी किसी बच्चे को सताए ना। और ये हैं कृति जी, कृति जी सबको हाय बोल दीजिए। तुम शर्म अब के पहले जैसा कर रही, क्यों कर रही हो? हेलो। ओके, तो थैंक यू, लव यू ऑल सबको, क्योंकि हम एक इंसान हैं, तो एक इंसान होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है। और जिन यूपी बिहार के लोगों ने मुझे प्यार देकर इतना बड़ा किया है, अगर आज वो तकलीफ में है, तो उनके साथ साथ वो तकलीफ हमारी भी है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो कहर जाकर देखा, मुझे लगा जे नहीं, आज उस दुख की घड़ी में जिन लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, वो दुख में है, और आज उनके साथ ऐसी स्थिति है, तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम खुशियाँ मनाएं, क्योंकि उनके
आज वो खुश रहते हैं तो हम खुश रहते हैं सबको दिल से भाई। अब आज नाम नहीं ले पाऊंगा किसी को, तो कितना काट रहा है बेटा मेरे को, प्लीज प्लीज बाबू प्लीज 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 मत काटो। ए बाबू ए रेन को उधर बांधो ना, देखिए काट रहा है मुझे, मेरा ये रेन है जो कि बड़ा प्यारा है। थैंक यू दिल से सबको, आई लव यू। और बस इसीलिए मैं आज लाइव आया, क्योंकि तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया बर्थडे नहीं मना रहे हैं, बर्थडे नहीं मना रहे हैं। वजह यही थी कि वो चिमकी का जो रोग फैला है बिहार में, आज इतने सारे 200 करीब 100-150 बहुत सारे बच्चे ठीक होके भी गए हैं वहाँ से। तो और सरकार की बहुत अच्छी सुविधा है, मैं गया था वहाँ देखा मैंने, अच्छी बात है कि हर वहाँ की सरकार बड़ी अच्छी काम कर रही है और लोगों को ठीक भी किया जा रहा है। हम वहाँ के DM ऑफिस गए थे तो DM से मिले थे, और मेरी जो भी है जो भी मेरा सामग्री हो नीतीश जी के जो राहत केंद्र है सब में पहुँचाया जा रहा है, और सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि उन बच्चों के लिए दुआएं करिए। मेरे बच्चे के साथ साथ वो भी बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, तो उनके लिए भी दुआएं करिए। आज मैं उन्हीं के लिए पूजा कर रहा हूँ अपने बच्चे के साथ साथ, ताकि जो हैं इस दुनिया में वो हमेशा सलामत रहें, उनके परिवार में वो दोबारा खुशी लौट जाए जिस खुशी में किसी की नज़र लग गई है। दिल से थैंक यू ऑल। एक मेरा कांवर भी रिलीज हुआ है, सरदिया हो जाइए राजा, ढेर सारा प्यार उसको ज़रूर दीजिए। और लोटस कंपनी से वो रिलीज हुआ है, पहला कांवर भजन है, तो प्लीज़ आप ढेर सारा प्यार दीजिए। दिल से थैंक यू, लव यू। और इस पूजा के साथ साथ पूरे बिहार यूपी के लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऐसे ही खुश रहिए और अपने भाई अपने बेटा की सारी को ऐसा ही प्यार करते रहिए, और ढेर सारा विशेष आप सबके जीवन के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं, कि वो जहाँ भी रहें फिर दोबारा इस दुनिया में ज़रूर आएँ, ताकि अपने माँ बाप का प्यार जीत सकें और अपने माँ बाप के गोद में खेलें। बस दिल से थैंक यू। और जो बच्चे हैं दुनिया में उनके लिए भी पूजा कर रहा हूँ मैं, ताकि वो उनको कोई आँच नहीं आए। दिल से थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। जितने लोगों को मैंने नाम तो नहीं लिया, प्लीज़ माफ़ करिएगा, आप लोग भाई हैं, क्योंकि तो कुछ बातें कहनी थी। और बेटा आ जा, ऋषभ आ जाओ, आ जा। तो आज का दिन मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा वही प्रॉब्लम, और अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि इंसान होने के नाते, इसीलिए मैंने पूजा रख दिया है अपने बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए भी जो इस दुनिया में हैं अभी, उनको कोई तकलीफ ना हो, बस दिल से दुआ है, इसी के लिए आज पूजा रखा हूँ। तो थैंक यू, लव यू ऑल। ना बेटा एक बार बोल दो हेलो, सबको बोल दो हाय, बोल दो हाय, सबको बोल दो हाय, बोल दो सबको बेटा। देखो तो सब लोग आपको, सब लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, देखो सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो नमस्ते, बोल दो बेटा, देखो तो, देखो तो उसमें दिख रहे हो ना आप। और ये देखिए, और ये हमारी कृति बेटी, और ये पूजा, ये पूजा, और ये अच्छा बेटा मेरा,